हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 32 चेस्ट का कटोरी ब्लाउज़ की हम कटिंग देखने वाले हैं। तो चेस्ट है 32 इंच, उसका 1/4 लेंगे हम 8 इंच। कमर है 26 इंच, उसका 1/4 होगा 6.5 इंच। ब्लाउज़ की लंबाई है 13 इंच। बाजू की लेंथ है 5 इंच और चौड़ाई में 9 इंच। गला, फ्रंट नेक 6 इंच, बैक नेक 8 इंच। अब इसकी हम कटिंग देखते हैं। पहले हम ब्लाउज़ की लंबाई लेते हैं। जैसे लंबाई है 13 इंच, तो हम 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई के लिए, यानी कि 14 इंच हम लंबाई लेंगे। जैसे चेस्ट है 32 इंच, तो उसका 1/4 है 8 इंच, तो हमने 8 इंच यहाँ पे लिया है। 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन के लिए लिया है, यानी कि 9.5 इंच हमने पेपर लिया है। 2.5 इंच हमने गले का मार्क किया है। 5.5 इंच पर हमने शोल्डर लिया है। यहाँ पे हमने 6 इंच गला है, 6 इंच पे एक निशान लगाते हैं। यहाँ से भी हम 2.5 इंच लेंगे। इसका एक बॉक्स बनाते हैं। आर्मोल लेंगे हम 6 इंच पे एक निशान लगाते हैं। आर्मोल की गोलाई फ्रंट साइड की 1 इंच पे, बैक साइड की 1.5 इंच पे। इस तरह से हम फ्रंट साइड की गोलाई का शेप देते हैं। और ये हुई बैक साइड का आर्मोल का शेप। आधा या 1.25 इंच छोड़ के गले की हम गोलाई देंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे। गले के साइड से हम 2.5 इंच लेते हैं और इस साइड से भी, आर्मोल की साइड से भी हम 2.5 इंच लेंगे। यहाँ सीधी एक इस तरह से सीधी लाइन लगाते हैं। यहाँ पे कटोरी का नाप लेंगे हम 5.5 इंच। यहाँ पे आर्मोल लेंगे फ्रंट साइड की जो गोलाई है वहाँ से हम 2.5 इंच लेते हैं। यहाँ से हम 1 इंच लेंगे। ये तीनों जो पॉइंट हैं इसको हम जॉइंट करते हैं। अब इसके हम पहले कटिंग करेंगे। हमने ये इस तरह से डबल पेपर लिया था, तो ये फ्रंट साइड, ऊपर की साइड जो है ये फ्रंट साइड का है, मैटर ये बैक साइड का है। तो अब इसकी हम कटिंग करते हैं। यहाँ पे हमें कमर का नाप लेना था, जैसे 6.5 इंच। तो 6.5 इंच हमने कमर का मार्किंग किया है और 1.5 इंच इसमें प्लस किया है। तो ये हम यहाँ पे तिरछा थोड़ा सा कट लगाते हैं। अब गले की कटिंग करते हैं। सेंटर से हम इसको बैक और फ्रंट साइड अलग करते हैं। ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड। ये जो कटोरी है फ्रंट साइड का, ये हमें दूसरे पेपर पर बढ़ाना पड़ता है। दूसरे पेपर पर हम कटोरी
कैसे बढ़ाते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ से हम 1.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे, यहाँ पे हम एक सीधी लाइन लगाते हैं, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, 1.5 इंच पे एक निशान लगा के। तो ये जो कटोरी है ये हम यहाँ पे रखते हैं और ये जैसा है वैसा ही पहले हम निकालेंगे। इसका कटोरी का हम पहले सेंटर निकालते हैं, 5.5 इंच है तो हम यहाँ पे 3.25 इंच इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर से हमने नीचे 1.5 इंच लिया है, एक सीधी लाइन लगाते हैं, यहाँ से हम ये सेंटर से 1.5 इंच पे एक निशान लगाने हैं और इस साइड से भी 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है। तो ये है हमारा टक्स पॉइंट, ये टक्स के लिए जैसे 2.5 इंच पे हम ऊपर टक्स लेते हैं तो ये हमारा टक्स का पॉइंट आता है। अब यहाँ से जैसे ये जो कटोरी है उसका हाफ यानी कि 3.25, तो ये जो 1.5 इंच पे हमने निशान लगाया था इसके आगे हमने 3.25 इंच लेना है। और सिलाई के लिए जितना आपका सिलाई में जाता है उतना आप सिलाई में ले लो, तो यहाँ से जितना आएगा उतना ही यहाँ लेना है। अब इसको हम जॉइंट करेंगे। यहाँ भी थोड़ा सा सिलाई के लिए लेना है और ऊपर के साइड से भी जितना आपका सिलाई में जाता है उतना लेके इसको शेप देना है। अब बाहर की साइड से हम कटिंग करते हैं। इस तरह से हमारी ये कटोरी की कटिंग हो गई है। अब स्लीव्स की कटिंग करते हैं। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो स्लीव्स के लिए हमने ये डबल पेपर लिया है, इसको फोल्ड करके बंद बाजू हमने अपनी तरफ लिया है। तो बाजू की लेंथ है हमारी 5 इंच, तो उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे यानी कि 6.5 इंच। अभी ये जो आर्महोल है आर्महोल को हम क्रॉस में नापेंगे इस तरह से शोल्डर से यहाँ तक, ये आता है 7 इंच। तो हमें इसमें 0.5 इंच प्लस करना है यानी कि 7.5 इंच हमारी बाजू की चौड़ाई निकलती है। यहाँ पे हमें सीधी लाइन लगानी है और यहाँ से 3 इंच पे एक मार्किंग करनी है, यहाँ से 3 इंच पे एक मार्किंग करनी है, 1 इंच हमें सीधा लेना है और यहाँ से भी हम 1 इंच सीधा लेंगे। अब इसको हम बाजू का शेप देते हैं। एक्स्ट्रा जो पेपर है उसको हम कट करेंगे। तो ये हमने 32 चेस्ट की कटोरी ब्लाउज़ की हमने कटिंग की है। अभी हमें क्रॉस पट्टी की कटिंग देखनी है।
अभी हम क्रॉस पट्टी निकालेंगे। तो यहाँ पे हम कमर का नाप देखते हैं, ये आता है 1.25 इंच। यहाँ पे भी हम 1.25 या 8.5 इंच लेंगे तो भी चलता है। यहाँ से हम लेंगे 3 इंच और यहाँ से लेंगे हम 4 इंच। इसको इस तरह से क्रॉस पट्टी का शेप देते हैं। इस तरह से हमने ये 32 चेस्ट कटोरी ब्लाउज की हमने कटिंग देखी है।